तो आज हम एक नवीन अध्याय में जो आपके सामने चर्चा कर रहे हैं वह है आपके शिलालेख। शिलालेख जो है ये भी उसी का ही पार्ट है, आपके राजस्थान के इतिहास के स्रोतों का ही, राजस्थान के इतिहास के जो स्रोत जो रहे हैं उनका ही ये जो है शिलालेख एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। देखिएगा हम यहाँ पर जो चर्चा कर रहे हैं वह जो पार्ट है वो है आपके शिलालेख। राजस्थान के जो शिलालेख हैं उनके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे, शिलालेख, शिलालेखों के बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे, है ना। रॉक इंस्क्रिप्शन कहते हैं शिलालेख को, नाम से भी स्पष्ट हो रहा है शिला पर लिखे गए लेख ही क्या कहलाते हैं, शिलालेख कहलाते हैं। शिला पर लिखे गए लेख ही शिलालेख के नाम से जाने जाते हैं। देखिएगा मित्रों, शिलालेखों की अगर हम बात करें, शिलालेखों की अगर हम बात करते हैं तो शिलालेख जो रहे हैं राजाओं ने अपनी उपलब्धियों को लेकर के इन शिलाओं के ऊपर ये लेख लिखवाए थे। राजा महाराजाओं ने अपनी उपलब्धियों को इन शिलाओं के ऊपर लिखवा दिया था। ऐसा क्यों किया? राजाओं को पता था कि अगर कागज पर लिखा तो कागज दो चार साल में, दस साल में गल जाएगा, सड़ जाएगा, खराब हो जाएगा, या कपड़े पर लिखा तो कपड़ा भी जो है आपके फट जाएगा, गल जाएगा। तो उन्होंने क्या है कि यहाँ राजाओं को कोरी प्रशंसाएं ज़्यादा पसंद थी, राजाओं को कोरी प्रशंसाएं ज़्यादा पसंद थी। तो वो अब ये चाहते थे कि हमें आने वाली पीढ़ियाँ याद रखें, आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं वो हमें याद रखें। तो इसलिए उन्होंने क्या किया कि अपनी आने वाली पीढ़ियों को याद रखने के लिए कि ये हमारे दादा परदादा ऐसे हुए, इन्होंने ये कार्य करवाए, तो वो कैसे पता चले? तो वो ऐसे कि वो लिखा रहेगा तो आने वाली पीढ़ियां उनको पढ़ेंगी तो वो उनके बारे में पता करेंगे, हमारे दादा परदादा ने ये काम करवाया। तो वही कार्य किया इन्होंने कि इन्होंने शिलाओं पर अपनी उपलब्धियों को, कि जैसे किसी राजा ने कोई दान में दी है कोई चीज़, या किसी राजा ने कोई चीज़ जैसे समाज में कार्य करवाया है, सामाजिक कोई कार्य करवाया है, कोई सामाजिक आदेश जारी किया है, तो उसको पत्थर पर लिखवाया शिला पर, और उसको ऐसे स्थान पर लगवाया जहां पर अधिकतर लोगों की नज़र पड़े, अधिकतर लोगों की नज़र पड़े। तो ऐसे जो स्थान जो थे वो थे या तो पानी के स्रोत या देवी देवताओं के स्थल, कहने का मतलब मंदिर। तो देखिएगा जितने भी शिलालेख प्राप्त हुए हैं वो या तो पानी के स्रोत के पास से प्राप्त हुए हैं या किसी न किसी मंदिर से जो है प्राप्त हुए हैं। तो देखिए इन शिलाओं पर लिखवाने के पीछे लॉजिक मैंने आपको बताया कि राजा महाराजाओं ने ये ऐसा इसलिए करवाया कि वो चाहते थे कि ये चीज़ जो है अपनी लंबे समय तक बनी रहे, जिससे आने वाली पीढ़ियाँ भी उनको याद करती रहें। किसी कवि ने भी कहा है कि रेत पर नाम लिखने से क्या फ़ायदा, आएगा हवा का झोंका तो मिटा जाएगा, राइट। नाम लिखना है तो पत्थरों पर लिखो, एक बार लिखोगे तो अमर हो जाएगा। तो ऐसे करके जो है यहाँ पर उन राजा महाराजाओं ने पत्थरों पर अपने जो है ये कारनामे करवाए थे, और इन्हीं को हम क्या कहते हैं, शिलालेख के नाम से पुकारते हैं। दोस्तों शिलालेखों का लेखन कार्य जो करवाया गया था, इनका लेखन कार्य जो हुआ है वो उस समय के या तो प्राकृत संस्कृत में जो है इनका लेखन कार्य हुआ है, उस समय प्रचलन में जो थी प्राकृत संस्कृत जो है भाषा प्रचलन में थी, या उस समय वहाँ की जो स्थानीय भाषा जो थी, स्थानीय जो भाषा जो थी उसमें इनको लिखा गया है, जो स्थानीय भाषा थी उसमें इनको लिखा गया है, राइट। इन शिलालेखों की बात करें तो इनको जो लिखा गया है वो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है, गद्य और पद्य दोनों में जो है इनको लिखा गया है, गद्यांश और पद्यांश दोनों में इनको लिखा गया है। संस्कृत में दोहा लिख दिया और उसके बाद उसका अनुवाद कर दिया, या केवल पैराग्राफ के रूप में बड़े बड़े जो है ये पैराग्राफ लिख दिए, तो ऐसे इनको लिखा गया है इन शिलालेखों को। तो गद्यांश एवं पद्यांश, गद्य और पद्य दोनों में इन शिलालेखों को लिखा गया है। शिलालेखों की बात करते हैं तो इनमें शिलालेखों में उस समय की हमें सामाजिक, उस समय की हमें सामाजिक जानकारी इनसे मिलती है, सामाजिक के अलावा उस समय की हमें आर्थिक जानकारी मिलती है, राइट, आर्थिक जानकारी मिलती है, उस समय की इनसे हमें धार्मिक जानकारी मिलती है, उस समय की हमें इनसे धार्मिक जानकारी मिलती है। तो सामाजिक है, आर्थिक है, धार्मिक है और राजनीतिक है, राजनीतिक जानकारी जो है इनसे हमें मिलती है शिलालेखों से। तो देखिएगा उस जमाने की, राजा महाराजाओं के समय की जो है यहाँ से हमें सामाजिक है, आर्थिक है, धार्मिक है, राजनीतिक है, ये हमें जानकारियाँ मिलती हैं।
इसके अलावा यहाँ उस समय का भी यहाँ इनसे जो है पता चलता है। समय की बात करें तो तिथि के बारे में भी पता चलता है कि फलाना राजा उस समय हुआ था। तो देखिए गए सारी चीजों से हम क्या लिखते हैं, इतिहास लिखा गया है इनसे। तो सीधे शब्दों में कहें कि शिलालेखों के द्वारा इतिहास लेखन में बहुत ही सहयोग मिला है, या इतिहास लेखन के ये प्राचीनतम साक्ष्यों में से एक रहे हैं शिलालेख। इनको आधार बनाकर के इतिहास लिखा गया है। क्यों? क्योंकि कोई भी शिलालेख है उसमें राजा ने जब उसको लिखवाया था तो उसका खुद का नाम समय लिखवा दिया, समय कि मैं फलाने सिंह राजा ढिकाने सिंह पुत्र मेरे दादा परदादा ये थे, ये फलाने थे और ये जो है मैंने कार्य करवाए, और या कोई उसके द्वारा कोई सामाजिक कार्य करवाया तो उसका जो है उसने उसमें वर्णन कर दिया। तो यही हम इतिहास में पढ़ते हैं कि फलाने राजा ने ये कार्य करवाया, उसने ये कार्य किए, ये कार्य किए, ये कार्य किए। तो ये क्या है, इतिहास लेखन के प्राचीनतम स्रोत रहे हैं शिलालेख जो रहे हैं ये। तो देखिएगा आप कोई भी, जैसे इतिहास में हम चर्चा करते हैं कोई भी हम रियासत को उठाते हैं तो रियासत को जब चर्चा करते हैं हम कहते हैं कि यहाँ पर ये फलाने वंश ने शासन किया था, तो हम वहाँ चर्चा करेंगे कि इसकी जानकारी हमें फलाने शिलालेख में मिलती है या उस शिलालेख में ये जानकारी मिलती है कि यहाँ पर इस वंश का ये स्टार्टिंग पॉइंट रहा था। तो इस प्रकार इन शिलालेखों से हमें इतिहास लेखन में जानकारी मिलती है। हम इसकी बात करें तो आपके जो है शिलालेखों का जो अध्ययन जो किया जाता है, शिलालेखों के अध्ययन को एपिग्राफी के नाम से जो है पुकारा जाता है। शिलालेख जो है शिलालेखों के अध्ययन को एपिग्राफी के नाम से पुकारा जाता है। तो शिलालेखों के अध्ययन को एपिग्राफी के नाम से पुकारते हैं। तो जो शिलालेखों का जो अध्ययन किया जाता है उसे हम एपिग्राफी के नाम से पुकारते हैं। तो देखिएगा अब हम यहाँ पर एक एक शिलालेख के बारे में चर्चा करते हैं, एक एक शिलालेख को लेकर के हम चर्चा करते हैं कि कौन से शिलालेख में किस प्रकार की क्या जानकारी मिलती है, राइट। तो सबसे पहले मित्रों यहाँ पर हम चर्चा करते हैं, नंबर एक पर हम बात करते हैं और वो है बडली का शिलालेख। बडली के शिलालेख की बात करें तो देखिएगा मित्रों ये जो शिलालेख है ये 443 ईस्वी पूर्व का है, ईस्वी का नहीं ईस्वी पूर्व का है, कहने का मतलब बीसी, राइट। तो ये जो है आपके 443 ईस्वी पूर्व का जो है शिलालेख है बडली का शिलालेख जो है ये। देखिएगा ये जो शिलालेख है ये आपको प्राप्त जो हुआ है ये अजमेर के बडली स्थान से प्राप्त हुआ है। अजमेर में है बडली स्थान से ये प्राप्त हुआ है ये जो बडली का शिलालेख जो है ये। इस शिलालेख की बात करें तो देखिएगा 443 ईस्वी पूर्व का है तो उस समय का शिलालेख है, तो ये राजस्थान का सबसे प्राचीनतम शिलालेख माना गया है। राजस्थान का सबसे प्राचीनतम शिलालेख माना गया है। राजस्थान का सबसे प्राचीनतम जो है शिलालेख है ये जो बात करें तो बडली का शिलालेख जो है। यहाँ से यही प्रश्न कई बार रिपीट हुआ है कि राजस्थान का सबसे प्राचीनतम शिलालेख जो है ये कौन सा है, तो वो है बडली का शिलालेख जो कि 443 ईस्वी पूर्व का शिलालेख है जिसके बारे में कोई ऐसी जानकारी नहीं मिलती कि इसमें क्या लिखा हुआ है, क्योंकि खंडित टूटा फूटा अवस्था में जो है ये प्राप्त हुआ है ये जो शिलालेख जो है ये यहाँ से। लेकिन समय निकाल लिया गया है, कार्बन पद्धति से समय कैलकुलेट कर लिया जाता है। कार्बन पद्धति से जब समय निकाला गया है तो इसका जो समय निकल कर के जो सामने आता है वो आया है 443 ईस्वी पूर्व का। तो ये राजस्थान का सबसे प्राचीनतम शिलालेख माना गया है, राइट। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट एक और शिलालेख की बात करते हैं तो वो है आपके घोसुंडी का शिलालेख जो है इसको कहा गया है। घोसुंडी के शिलालेख की बात करें तो देखिएगा घोसुंडी का जो शिलालेख है वह जो शिलालेख है वो है आपके दूसरी सदी का शिलालेख है। ये
दूसरी सदी का जो है शिलालेख है घोसुंडी का जो शिलालेख है ये, राइट। तो घोसुंडी के शिलालेख की बात करें तो सेकंड सेंचुरी का शिलालेख है ये। ये पिछली बार आरएएस मेंस में प्रश्न पूछा गया था, 2 नंबर का प्रश्न था, केवल प्रश्न ये था कि घोसुंडी शिलालेख पर टिप्पणी लिखवाई थी, केवल कि घोसुंडी शिलालेख लिखिएगा टिप्पणी 2 नंबर की। तो अब उसमें क्या क्या लिखना था, तो देखिएगा सबसे पहली बात तो ये जो स्थान जो है ये घोसुंडी वह आपके चित्तौड़ में है, तो ये चित्तौड़ के घोसुंडी स्थान से इसको जो है प्राप्त किया गया है। चित्तौड़ जो है चित्तौड़ में है, घोसुंडी की बावड़ी है, इस घोसुंडी जगह का भी नाम है, ये घोसुंडी की बावड़ी जो है वहाँ से प्राप्त हुआ है, घोसुंडी की बावड़ी है, इस बावड़ी से ये शिलालेख प्राप्त हुआ है, स्टेप बेल है घोसुंडी की, तो वहाँ से इसका जो है ये शिलालेख जो है प्राप्त हुआ है, ये जो घोसुंडी का शिलालेख है वहाँ उस स्थान से ये जो है प्राप्त हुआ है। इस शिलालेख की बात करें तो ये जो शिलालेख है आपका घोसुंडी का जो शिलालेख है, इस शिलालेख की बात करें तो इसमें ऐसा मानते हैं कि उस समय यहाँ के कोई शासक थे सर्वतात, उसके बारे में ये जानकारी मिलती है। तो यहाँ के शासक सर्वतात के बारे में इसमें जानकारी मिलती है, शासक सर्वतात करके थे, इस सर्वतात के यहाँ इसमें जानकारी मिलती है। सर्वतात की बात करें तो सर्वतात ने अश्वमेघ यज्ञ करवाया था, अश्वमेघ यज्ञ करवाया था, अश्वमेघ यज्ञ जो है इन्होंने करवाया था, अश्वमेघ यज्ञ जो है इनके द्वारा करवाया गया था। तो इस अश्वमेघ यज्ञ के बारे में इसमें जानकारी मिलती है, सर्वतात के द्वारा करवाए गए अश्वमेघ यज्ञ की जानकारी जो है इसमें मिलती है। अश्वमेघ यज्ञ क्या होता है, तो देखिएगा अश्वमेघ यज्ञ की बात करें तो अश्व का मतलब होता है घोड़ा और मेघ का मतलब होता है आसमान या बादल, खुला हुआ बादल। कहने का मतलब राजा अपने साम्राज्य की सीमा रेखाओं का विस्तार करने के लिए क्या करता था, अश्वमेघ यज्ञ करता था। राजा जब सोचता था कि मैं बहुत प्रतापी हो चुका हूँ, मेरा साम्राज्य का और विस्तार होना चाहिए, तो वो क्या करता था, अपने साम्राज्य के विस्तार करने के लिए अश्वमेघ यज्ञ करवाता था और वह खुले आसमान में घोड़े छोड़ता था। तो घोड़े जहाँ तक चले जाते थे वहाँ तक उसका साम्राज्य का विस्तार हो जाता था, जहाँ तक उनको कोई रोकता नहीं था वहाँ तक साम्राज्य का विस्तार होता रहता था। और अगर किसी ने उन घोड़ों को रोक लिया तो उनके साथ में उस राजा को युद्ध करना होता था, अगर युद्ध में वह जीत गया तो ठीक बात है तो उसका साम्राज्य वहाँ तक हो जाता था, अगर हार गया तो खुद के साम्राज्य से भी हाथ धोना पड़ता था। तो ऐसा जो है ये अश्वमेघ यज्ञ किया था इसने सर्वतात जो है इन्होंने। इस अश्वमेघ यज्ञ के साथ ही यहाँ पर इसमें उल्लेख जो मिलता है वह जो मिलता है कि उस समय भागवत धर्म का जो है प्रचलन था। तो भागवत धर्म जो है इसके प्रचलन की जानकारी इसमें मिलती है, या इसको आप लोग वैष्णव धर्म के नाम से जो है पुकारते हैं, भागवत धर्म या वैष्णव धर्म जो है, इस वैष्णव धर्म की इसमें जानकारी जो है मिलती है इस जमाने की। तो यहाँ पर इस भागवत धर्म या वैष्णव धर्म की जानकारी इसमें मिलती है, ये जो बात करें तो आपके घोसुंडी का जो शिलालेख है इसमें। तो घोसुंडी का जो शिलालेख जो है, इस घोसुंडी के शिलालेख में यहाँ पर कुछ इस प्रकार की जो है ये जानकारियाँ मिलती हैं। तो देखिएगा यहाँ से प्रश्न भी कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है कि भागवत धर्म का प्राचीनतम उल्लेख किस शिलालेख में मिलता है। तो भागवत धर्म या वैष्णव धर्म का सबसे प्राचीनतम जो उल्लेख जो मिलता है वह जो मिलता है आपके घोसुंडी के शिलालेख में ही मिलता है। घोसुंडी का शिलालेख 2री सदी का शिलालेख है। इसकी बात करें तो घोसुंडी चित्तौड़ में स्थान है, वहां से प्राप्त हुआ है घोसुंडी का जो शिलालेख है, राइट। तो घोसुंडी जो स्थान है वह चित्तौड़ में है, वहां से जो है शिलालेख जो है ये प्राप्त हुआ है। इस शिलालेख की बात करें तो यहाँ इसमें इस समय के शासक सर्वतात के बारे में जानकारी मिलती है, इन्होंने ये अश्वमेघ यज्ञ करवाया इसकी, और इस समय के भागवत धर्म के बारे में इसमें जानकारी मिलती है। तो ऐसा है ये जो है आपके घोसुंडी का शिलालेख। नेक्स्ट बात करते हैं एक और शिलालेख के बारे में चर्चा करते हैं इसके बाद में, और वह जो शिलालेख जो है आगे हम बात कर रहे हैं, एक बहुत ही महत्वपूर्ण शिलालेख है राजस्थान का, बहुत ही इंपॉर्टेंट शिलालेख है, पहले हम उसकी बात करते हैं, और वह है बिजौलिया का शिलालेख। बिजौलिया का शिलालेख जो है ये आपके बिजौलिया का शिलालेख।
ये बिजोलिया का शिलालेख जो है ये आपके राजस्थान का बहुत ही महत्वपूर्ण शिलालेख है, जो कि 1170 ईस्वी का शिलालेख है। ये जो बिजोलिया का शिलालेख जो है ये देखिएगा, बिजोलिया के शिलालेख की अगर हम बात करें तो ये स्थान जो है बिजोलिया जो स्थान पड़ता है भीलवाड़ा में, भीलवाड़ा जो है यहाँ से जो है प्राप्त हुआ है। भीलवाड़ा जो है यहाँ से कोई पार्श्वनाथ जैन मंदिर है उससे ये शिलालेख प्राप्त हुआ है। भीलवाड़ा में पार्श्वनाथ जैन मंदिर है, इस पार्श्वनाथ जैन मंदिर से जो है ये शिलालेख प्राप्त हुआ है। पार्श्वनाथ जैन मंदिर से ये शिलालेख प्राप्त हुआ है, ये जो आपका बिजोलिया का जो शिलालेख है ये। इस शिलालेख की बात करें तो देखिएगा, ऐसा बताते हैं कि यहाँ इस शिलालेख को जो लगवाया था, इस मंदिर में इस शिलालेख को जो लगवाया था, वह जो लगाया था एक जैन श्रावक थे। जैन श्रावक की बात करें तो जैन श्रावक जो कहते हैं, जैन संत जो होते हैं उनको कहा जाता है, और जैन श्रावक की बात करें तो उनका नाम मिलता है लोलक। जैन श्रावक लोलक द्वारा लगवाया गया था, इसके द्वारा यहाँ पर ये लगवाया गया था। तो जैन श्रावक लोलक के द्वारा यहाँ पर इस जो है शिलालेख को लगवाया गया था। इस शिलालेख की बात करें तो देखिएगा मित्रों, ये जो शिलालेख है आपका बिजोलिया का शिलालेख जो है ये 1170 ईस्वी का है। उस समय यहाँ इस एरिया पर जो शासन था वह चौहानों का शासन था। तो चौहानों के समय का जो है ये शिलालेख है, और चौहानों की बात करें तो पृथ्वीराज के पिताजी थे और उनका नाम मिलता है सोमेश्वर देव। सोमेश्वर देव जो है, इस सोमेश्वर देव के शासनकाल का जो है ये शिलालेख है, इनके शासनकाल का जो है ये शिलालेख है, ये जो आपका शिलालेख है ये बिजोलिया का शिलालेख। तो सोमेश्वर देव चौहान जो थे आपके अजमेर के शासक थे, तो उसके समय का ये शिलालेख है 1170 ईस्वी का, ये जो आपका बिजोलिया का जो शिलालेख है ये। इस शिलालेख की अगर हम बात करें आगे और लंबी चौड़ी इसकी जानकारी, तो इस शिलालेख की बात करें तो ये जो शिलालेख जो लिखा गया है, ये इसकी भाषा जो है, इस शिलालेख की भाषा जो है वो है आपके संस्कृत। संस्कृत भाषा में ये जो है शिलालेख लिखा गया है। इसकी बात करें तो इसमें ऐसा बताते हैं कि शिलालेख को जो लिखा गया है वो गद्य पद्य दोनों में लिखा गया है। जिसमें ऐसा बताते हैं कि इसमें तिरानवे दोहे हैं। ये जो बात करें तो आपका ये जो शिलालेख है इसमें 93 जो है इसमें दोहे बताए गए हैं, इस बिजोलिया के शिलालेख जो है इसमें। इस शिलालेख की बात करें तो देखिएगा, ये रचना जो है ये आपके गुणभद्र की रचना है। गुणभद्र जो है उनकी रचना है, कहने का मतलब गुणभद्र ने इस शिलालेख को रचा था। रचना का मतलब होता है जैसे कवि जो होते हैं, आपने सुना होगा कवि, तो वो क्या करते हैं इमीडिएट प्रभाव से कोई भी जो है कविता बना करके और बोल देते हैं। जो कविता बनाई जाती है, नया जो कह सकते हैं अपने मनगढ़ंत जो चीज़ें बनाई जाती हैं, तो ऐसे अपने मन से जो चीज़ बनाई जाती है पहली बार, उसको रचना के नाम से पुकारते हैं। जैसे कवि को कहते भी सुना होगा कि मैं आपको एक नवीन रचना सुना रहा हूँ, राइट। अगर ये तो कहलाती है रचना, अगर उन रचनाओं को किसी ने लिख दिया, कवि ने तो बोला है केवल उसको, अगर किसी ने उसको डिक्टेट करके एक पुस्तक में लिख दिया तो वह कहलाता लेखक। तो देखिएगा, इसकी रचना जो की थी वह तो थे गुणभद्र, और इसके लेखक जो थे इस शिलालेख के, उनकी बात करें तो उनका जो नाम मिलता है वह मिलता है कायस्थ केशव करके जो है ये जो है आपके इसके कायस्थ केशव जो थे इसके लेखक थे, ये जो बात करें तो आपके यहाँ पर इस शिलालेख जो है आपके इसके, ये जो शिलालेख में जो लिखी हुई बातें हैं उनको लेखक के रूप में जो कायस्थ केशव ने जो है इसको लिखा था। इस शिलालेख की बात करें तो देखिएगा, इसका उत्कीर्ण करने का जो कार्य किया था, इसको उत्कीर्ण मीन्स गोदा था उसके ऊपर, शिलाख ऊपर जो है गोदने का जो कार्य किया जाता है, वह जो गोदने का कार्य जो किया था वह गोविंद नाम के व्यक्ति थे। इस गोविंद नाम के व्यक्ति ने इसको, इस शिलालेख को उस शिलाख के ऊपर जो है गोदा था। तो ऐसा जो है ये शिलालेख जो है रहा है आपका, ये जो आपके बात करें तो बिजोलिया का शिलालेख। इस शिलालेख की बात करें तो देखिएगा, ये जो शिलालेख है आपका बिजोलिया का शिलालेख,
इस शिलालेख में जो जानकारी जो मिलती है वह क्या मिलती है, तो वो देखिएगा इसकी जानकारी। तो इसमें एक तो जानकारी जो मिलती है वह चौहानों की उत्पत्ति, यहाँ चौहान जो हैं इन चौहानों की उत्पत्ति जो बताई गई है, उत्पत्ति जो बताई गई है इसमें चौहानों की, वह जो बताई गई है वत्स गोत्रीय ब्राह्मणों से, वत्स गोत्रीय ब्राह्मणों से जो है इनकी उत्पत्ति बताई गई है, वत्स गोत्रीय ब्राह्मण जो हैं इन ब्राह्मणों से जो है इनकी उत्पत्ति बताई गई है। तो वत्स गोत्रीय ब्राह्मणों से उत्पत्ति मानी गई है चौहानों की, राइट। इसके अलावा इसमें जो उल्लेख मिलता है चौहानों की वंशावली का, इसमें उल्लेख मिलता है इसमें अजमेर के चौहानों की वंशावली, अजमेर जो है अजमेर के जो चौहान जो रहे हैं, अजमेर के जो चौहान जो रहे हैं इन चौहानों की वंशावली का भी इसमें उल्लेख मिलता है, चौहानों की वंशावली जो है इस वंशावली का इसमें उल्लेख मिलता है। इसके अलावा इस शिलालेख की बात करते हैं तो इस शिलालेख में देखिएगा चौहानों की वंशावली और इसके अलावा राजस्थान के शहरों के प्राचीनतम नाम, राजस्थान के शहरों के प्राचीन नाम, शहरों के प्राचीन नाम जो मिलते हैं वो इसी शिलालेख में मिलते हैं, प्राचीन नाम जो मिलते हैं वह इसी में ही मिलते हैं। जैसे यहाँ पर ये जो बिजोलिया जो है इसका नाम था विजयाबल्ली, जैसे इस बिजोलिया का प्राचीन नाम था विजयाबल्ली, जैसे आपके सांभर का नाम, जैसे प्राचीन नाम जैसे शाकंभरी के नाम से जो है पुकारा जाता है, जैसे बयाना का श्रीपंथ के नाम से जो है पुकारा जाता है, तो ऐसे ये जो शहरों के प्राचीन नाम जो मिलते हैं वह आपको इसी शिलालेख में मिलते हैं, बिजोलिया के शिलालेख में। जैसे कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है कि शहरों के प्राचीनतम नाम किस शिलालेख में मिलते हैं, तो शहरों के प्राचीनतम जो नाम जो मिलते हैं वो आपके बिजोलिया के शिलालेख में ही मिलते हैं, राइट। तो बिजोलिया का जो शिलालेख है इसमें शहरों के प्राचीनतम नाम, चौहानों की उत्पत्ति के बारे में इसमें जानकारी मिलती है, तो वो यही शिलालेख है आपका बिजोलिया का शिलालेख जो है ये। इसके बाद में नेक्स्ट एक और शिलालेख के बारे में हम चर्चा करते हैं मित्रों, और वह जो शिलालेख है वो है आपके कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, कीर्ति स्तंभ जो है प्रशस्ति के नाम से इसको जाना जाता है, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के नाम से जो है इसको पुकारा जाता है, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के नाम से इसको जाना जाता है। और कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की बात करें तो 1460 ईस्वी की है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति जो है ये। इस शिलालेख की बात करें तो सबसे पहली बात तो देखिएगा ये जो शिलालेख है ये आपके चित्तौड़गढ़ दुर्ग में लगा हुआ है, कहाँ लगा हुआ है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग जो है वहाँ लगा हुआ है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में जो है ये लगा हुआ है, और चित्तौड़गढ़ दुर्ग में कीर्ति स्तंभ पर ये जो है शिलालेख लगा हुआ है, कीर्ति स्तंभ पर ये शिलालेख लगा हुआ है, कीर्ति स्तंभ पर। देखिएगा मित्रों कई गाइडों में ऐसा लिखा हुआ है विजय स्तंभ और कीर्ति स्तंभ को एक ही कर रखा है, जो कि बिल्कुल अनर्थ है। कीर्ति स्तंभ अलग है और विजय स्तंभ अलग है, दोनों अलग अलग इमारतें हैं। कीर्ति स्तंभ जो है ये आपके इसका निर्माण 12वीं सदी में इसका निर्माण हुआ था, एक जैन जो है व्यापारी थे जैन बघेरवाल जीजा, जैन बघेरवाल जीजा के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था कीर्ति स्तंभ का। तो कीर्ति स्तंभ जो है इस कीर्ति स्तंभ का निर्माण जो करवाया गया था, मैं कीर्ति स्तंभ के बारे में बात कर रहा हूँ, इसका निर्माण जो करवाया गया था वह जो करवाया गया था 12वीं सदी में इसका निर्माण हुआ था। तो 12वीं सदी में इसका निर्माण जो हुआ था वह जैन व्यापारी और उनका नाम मिलता है जैन बघेरवाल जीजा, बघेरवाल जीजा, बघेरवाल जीजा करके जो है ये व्यक्ति का नाम था। तो इस जैन बघेरवाल जीजा ने जो है इसका निर्माण करवाया था। इसी के ऊपर कुंभा ने, ये जो है आपका कीर्ति स्तंभ, इसी के ऊपर कुंभा जो है, इस कुंभा ने यहाँ पर ये प्रशस्ति लगवाई थी। तो कुंभा द्वारा ये कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति का कार्य करवाया गया था, ये कुंभा ने इसको इसके ऊपर लगवाया था। इसकी बात करें तो इस कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति जो है इसका लेखन कार्य जो किया था, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति जो है इसका लेखन कार्य जो किया था वो ऐसा मानते हैं कि इस कुंभा के दरबारी कवि थे,
इनके दरबारी कवि थे। इस दरबारी की बात करें तो उनका नाम मिलता है अत्री भट्ट। अत्री भट्ट करके जो है ये दरबारी कवि थे। इस अत्री भट्ट जो है, अत्री भट्ट जो है इन्होंने जो है इसका, ये दरबारी कवि जो थे अत्री भट्ट, इन्होंने इसका लेखन कार्य किया था। लेकिन ये इसको करते करते ही इनकी बीच में ही मृत्यु हो जाती है। इनकी मृत्यु हो गई थी तो इसको जो पूर्ण जो किया था, इसको जो पूर्ण जो किया था उसके पूर्ण की बात करें तो वह जो किया था महेश भट्ट ने किया था। किसने किया था? महेश भट्ट ने जो है इसको पूर्ण किया था। महेश भट्ट की बात करें तो इनके ये जो है पुत्र थे ये अत्री भट्ट के, तो अत्री भट्ट के पुत्र महेश भट्ट ने इसको पूर्ण किया था, ये जो कीर्ति सम प्रशस्ति जो है इसको। अब इसमें उल्लेख क्या मिलता है? इसमें जो उल्लेख मिलता है वह जो मिलता है काल भोज से लेकर के, काल भोज जो है इस काल भोज से, काल भोज से कुंभा तक, काल भोज से कुंभा तक, कुंभा तक जो है कुंभा तक की वंशावली एंसेस्ट्री, काल भोज तक की जो है वंशावली के बारे में जो है यहां पर इसमें उल्लेख मिलता है। इसके अलावा कुंभा की इसमें उपलब्धियां हैं, कुंभा की जो है इसमें उपलब्धियां हैं, ये जो बात करें तो यहां पर, तो ये जो है आपके कुंभा तक की जो है ये इसमें उपलब्धियां हैं। यहां बात करें तो आपके इस कीर्ति सम प्रशस्ति जो है इसमें, तो कीर्ति सम प्रशस्ति जो है इसमें कुंभा की उपलब्धियां भी इसमें चर्चा में है। और इसी के साथ में इस कीर्ति स्तंभ में ये सभी जो है काल भोज से लेकर कुंभा तक के बारे में चर्चाएं मिलती हैं। तो इसमें यहाँ पर एक चर्चा और जो है आप यहाँ कह सकते हैं कि आपके एक हमीर सिंह करके जो है ये शासक होते हैं जिन्होंने सिसोदिया वंश स्थापित किया था चित्तौड़ जो है उसमें, मेवाड़ में सिसोदिया वंश के संस्थापक के रूप में हमीर सिंह का उल्लेख मिलता है, जिसने 1326 ईस्वी में सिसोदिया वंश स्टार्ट किया था। तो उसको विषम घाटी पंचानन के नाम से उसको पुकारा गया है। तो वो विषम घाटी पंचानन की उपमा जो मिलती है वह इस कीर्ति स्तंभ में ही उसको जो है कहा गया है। और इसी के साथ में उसको मेवाड़ का उद्धारक भी कहा गया है। तो मेवाड़ का उद्धारक और विषम घाटी पंचानन की जो उपमाएं जो मिलती हैं वो उनका उल्लेख जो मिलता है वह कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में ही मिलता है। तो ऐसा ये कुछ शिलालेख हैं दोस्तों। इसके अलावा कुछ और शिलालेखों के बारे में हम चर्चा करेंगे अगले अध्याय में। आज के लिए इतना ही। नमस्कार। जय हिंद।